मेरे ना 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 रे ओ ना ना नो मेरे ना नो ती ना ना मेरे ना नो रे ना 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 मेरे ना हमारा गांव का नाम ऐसे गोंडी में बोलते हैं कोनपार और इसको जो अंग्रेज लोग उसी को कोनपार को विस्तारित करके खुड़पानी का नाम दिया इसको। गोंडी में खोबी आता है और ये खोको नहीं हटा है जिसको पानी कर दी खोड़ पानी। हमारे गांव में 100 जो मकान है परिवार के रांधा ही 100 चलता है और हमारे गांव का जनसंख्या 490 इस साल की जो गणना है गांव का गणना है उसमें 490 आया है। सर जी अब मैं भी भारत हूँ टीम के जो आप अधिकारी है उतना दूर दिल्ली से हमारे छोटे सा गांव में आए और हमारे गांव के आपको लेवल टीम आपको टोपी पहना कर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं भी भारत की टीम आज छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव खुरपानी में पहुंची है और यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे गोंड आदिवासियों से, बात करेंगे उनके लोकगीतों की, लोक नृत्यों की और समझने की कोशिश करेंगे उनकी एक महत्वपूर्ण संस्था घोटुल को। घोटुल एक वक्त में गोंड आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थान था, आज वो संस्थान कितना प्रासंगिक है उसकी कितनी जरूरत है। हरियाली से शुरू हो जाता है यहाँ नाचने का, जो ये हुलकी हुलकी नृत्य है ना, उसके बाद नवाकानी पर्व आता है उस दिन भी नाचते हैं जमा हो जाते हैं, उसके बाद जो दीपावली कहे जाते हैं उसको हम दियारी कहते हैं उस दिन भी नाचते हैं जमा हो जाते हैं। उसके अलावा घोटुल रहने से एक और फायदेमंद हो जाता है, जैसे कि हमारा कोई देवी कार्य है बरसात में, जैसे त्यौहार ज़्यादा करके हमारा बरसात में भी है और कुछ खुले मौसम जो रहता है उस समय भी होता है, तो यहाँ का देवी देवता के समान जो पुजारी होते हैं उन लोगों को यहाँ रुकने का गायता उन लोगों को ये व्यवस्था मजबूत हो जाता है और अच्छा हो जाता है। खोरपानी के गोटुल में गांव के लोग जमा हैं। वीर सिंह उसेंडी रिटायर्ड अध्यापक हैं और गोंडी भाषा और संस्कृति के जानकार, या फिर यूं कहें कि वो गोंड भाषा और संस्कृति को जीते हैं तो शायद ज्यादा सही होगा। उन्हीं के प्रयासों से एक बार फिर खोरपानी गांव में गोटुल की स्थापना का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे को भी ये आइडिया नहीं आया था सर, ये मैं देखा एक पुस्तक मुरियाओं का घोटुल, तो एक बाग में देखाया और एक आदमी पढ़ा जो खरीदा था वो पुस्तक को उसमें देखाया, तो उसमें ये गांव का भी नाम है, मतलब उस जमाना में तो इधर पूरा घूम घूम के लिखा है और उसका जो नाच गान किया है उसका जो फोटो भी उस पुस्तक में छपे गए है, तो इसलिए मैं गांव के पटेल और सारा सियान लोगों को बोले कि हमारा आदिम जमाना कहना चाहिए, हम उस समय थे भी नहीं थे, उस समय थे हमारा जो गांव का नाम घोटुल के नाम से जो है तो इसको किसी भी हालत में बचाए के रखने का हमारा अभी आने वाला पीढ़ी को दिखाने के लिए ऐसे करके सोचता और इसको बचा के रखे। वीर सिंह उसेंडी शायद मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट
वेरियर एल्विन की किताब का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने गोंड आदिवासियों, उनकी संस्थाओं, लोक कथाओं, गीतों और भाषा बोली पर विस्तार से लिखा। एक समय गोंड आदिवासियों के लिए गोटुल एक अहम सामाजिक संस्था थी। गोटुल एक ज्ञानगुड़ी केंद्र था। उस जमाना में जो स्कूले नहीं थे तो दिन भर लोग अपना काम में व्यस्त रहे और रात को एक जगह जमा होके, उस जमाना में जो जानवर ज़्यादा थे तो किसी का भी घटना होता तब दिन भर में उसको यहाँ पूरा रात के कैच करके, जो बैठका करने का स्थिति रहे तो बैठका कर करके उसको सुधारने का प्रयास किया। और एक जो संस्कृति को बचाने के लिए एक गोटुल का व्यवस्था जो है ना, संस्कृति जैसे भाषा बोली पीटो पाटा गीत नृत्य ये सबको बचाने के लिए इसको गाया करते थे। तो आदिम जमाना से जो बचाए के रखे, और आज आप भी देख रहे होंगे अभी ज़्यादा नहीं है, 20 साल के बाद ये तो ना भाषा भी ख़त्म हो जाएगा ऐसे लगता है मेरे को, और हमारा जो संस्कृति भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब जिस किसी भी आदिवासी अपना इतिहास और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अभी तक बोल बताकर ही पहुंचाते रहे हैं। इसके अलावा आदिवासियों की लोक कथाएं और गीत इसका बड़ा जरिया रहे हैं। ये उस गाना का बोल है, आलाप है ना। तो उसके बाद ओरा बोरा मरमदाए ओरा बोरा दाई मरमारो यल मटको मल मटको गाड़ा पोर दुल्हा लो दे तोर साइकिलो दे तोर वाई तोर। इसका मतलब ये है सर कि गांव में शादी हो रहा था है ना, तो उसका माँ को उसका लड़की बोलता है मैं गांव में शादी हो रहा है वहाँ मैं नाचने के लिए जाऊँगा। तो उसका माँ बोलती है उसको कि ज़्यादा मटको, जैसे मंजूर जैसे चंचल होता है ना वैसे झन हो ते मत जा, तोला कोई ले घी तो कैसे करूँ मैं ऐसे, मतलब उस लड़की को वो जाने के लिए बोलता है मैं जाऊँगा बोलता है, तो उसका माँ जो उसको ऐसे मतलब मत जा ऐसे करके बोलती। ये इसका स्वर ओरा बोरा है ना, मतलब ओरा बोरा मरमदाए ओरा बोरा दाई मर मारो यल मटको मल मटको ज्यादा पोर दुल्हा लो दे तोर साइकिलो दे तोर वाई तो। तो वो लड़की ने उसका माँ को बताई, तो उसका माँ बोलता है कि काकर मरमा
मरमा मतलब शादी काकर होती, तो ये उसका माँ पूछता है लड़की को, तो वो बोलता है कि एक दुल्हा, जैसे कि मैं उसेंडी जी मंडावी, मंडावी लड़का वो गाड़ी में बैठ के दुल्हा बन के आते, ओकरे बिहाव ला दे के ला जाऊँ कह के कथम ऐसे करके ओकर दाई लगा। तो उसका माँ बोलती है लड़की को, निया बारा साधु नोनी, निया बारा नोनी साधु रोयल मलमट को गाड़ा पोर, दुल्हा लो दे तोर साइकिलो दे तो रवायत। मतलब वो उसका माँ कहती है, ओ तोर काय जरूरत थे तोर साथ ओकर शादी में जाए के, ते नहीं जाते तो बनती से। मतलब एकर ऐसे ओकर लड़की को बोलता है, मना कर रही है। तो फिर भी वो लड़की उसको माँ को बोलता है, वो गाड़ी के ऊपर बैठे है और ओकर जो लोकड़ा एक दूल्हा के साथ हमारे जो वो साइकिल में बैठ के आते, मैं बोला देख के ला जाऊँ ऐसे करके उसका लड़की जाती ऐसे करके बोलता। तो मतलब वही छर, तो किसी भी हालत से मत जा, यही उस गाना का बोल है। उसके बाद साधु मतलब उसको क्या कहना चाहिए, जिसका ज़्यादा उत्साह जो मन में होता है ना, तो उसको बोलते हैं हरिक, है ना, सीधा भाषा में बोले उसको हरिक। तो वो बोलता है तोर साथ का है वहाँ जाने का, इतना उत्साह कहाँ के लिए हो रहा है। तो मगर वो शादी को देखने के लिए उत्साह भी तो होए बिना नहीं होता, माँ इसी को बोलता है, साधु लेवा आयो दाई, साधु लेवा दाई आयो रोयल मटको मलमट को गाड़ा पोर, दुल्हा लो दे तुर साइकिल दे तोर वाई तुर। मतलब वो बादन मतलब वो हरिक होए बिना भी नहीं होए दाई, मोला हरिक लागे थे मोला जाएला देच। मतलब दुल्हा गाड़ी में आते और जो संगवारी लोकड़ा वो साइकिल में, मेरा मन नहीं मान रहा, नहीं मान रहा है ऐसे कर। बस्तर के गोंड आदिवासियों में हर अवसर या त्योहार के लिए अलग अलग गीत होते हैं। इन गीतों में कभी देवी देवताओं की महिमा, तो कभी पुरखों का इतिहास, तो कभी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी मिलती है। यहाँ पे लोकगीत है, सबसे पहले पूष पूर्णिमा कोलांग चेरतंग, और उसके बाद शादी में मांदरी चिटकुरी माड़िया नृत्य, और उसके बाद ये हुलकी और हार पाटा, ऐसे करके ये में सात भाषा, सात जो लोग नृत्य है हमारे समाज में, और इसका उपयोग होता ही है। गोंड आदिवासी कई राज्यों में फैले हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक। इसलिए गोंडी भाषा पर भी कई भाषाओं का असर आया है। और अलग अलग इलाकों में गोंडी का लहजा अलग अलग है। गोंडी भाषा पर अलग अलग राज्यों में काफी काम भी हो रहा है। इस भाषा के कई शब्दकोश बने हैं, लेकिन अभी तक इस भाषा का कोई मानक शब्दकोश नहीं है। रायपुर के शुभ्रांशु चौधरी लंबे समय से गोंड आदिवासियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। गोंडी जो है वो कम से कम 6 प्रदेशों में बोली जाती है। वैसे तो
गोंड और भी प्रदेशों में हैं, और हर प्रदेश में वहाँ की जो भाषा है वो हावी हो गई है। तो हमारे पास मराठी गोंडी है, तेलुगु गोंडी है, हिंदी गोंडी है, और उन बोलियों में काम हुआ है। लेकिन जैसा कि हर भाषा में होता है कि बहुत सारी बोलियाँ होती हैं, आप एक मानक भाषा बनाते हैं जिसमें शिक्षा का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, जर्नलिज्म का, या वकील काम करते हैं, वो गोंडी के साथ नहीं हुआ। गोंडी में कोई मानक शब्दकोश नहीं बना, तो हम लोग गोंडी का एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सभी प्रदेश के लोगों को बुलाया एक साथ आज से 4-5 साल पहले, और हमने कहा कि आप आपस में मिलकर तय कर लो कि कौन सी गोंडी को या कौन सी बोली जो है आपकी उसको आप मानक मानोगे। और आप लोग, जैसा हिंदी में हुआ है कि खड़ी बोली को हमने मानक मान लिया, या और भाषाओं में जैसा होता है, उन्होंने कहा नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम सभी बोलियों का मिला जुला एक मानक बनाएंगे। तो पिछले 5 सालों से लगातार काम करते हुए हम लोग 3,000 शब्दों तक पहुँचे हैं, जहाँ पर एक एक शब्द पर ये सारे लोग बहस करके, चर्चा करके तब पहुँचे हैं, क्योंकि ये हमारा मानक शब्द है। शुभ्रांशु मानते हैं कि गोंडी भाषा में निवेश मध्य भारत में शांति का हल भी बन सकता है। ये संभवतः इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर जैसे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो शिला लेख मिले जिनको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, गोंडी के विशेषज्ञ कहते हैं कि ये हमारे समय की भाषा है और हम उसको पढ़ पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा समुदाय है आदिवासियों में, ये दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, और इनके भाषा में बहुत सारा ज्ञान है। जैसे आयुर्वेद में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, बहुत ज्ञान है, पर इनका जो जड़ी बूटियों या जंगल पहाड़ का जो ज्ञान है वो उससे भी पीछे का है। तो अगर ये भाषा ख़त्म होती है तो वो सारा ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। तो किसी भी भाषा का समाप्त होना ठीक नहीं है। लेकिन एक और बात है कि मध्य भारत में एक हिंसा चल रही है, और उस हिंसा में वही लोग ज़्यादा शामिल हैं जो गोंडी भाषी हैं, और उसका एक कारण ये है कि चूंकि भारत देश ने इस भाषा में इन्वेस्ट नहीं किया, इस भाषा में कोई पढ़ाई नहीं हुई, इस भाषा का डिक्शनरी, मानक डिक्शनरी नहीं बनी, तो वो एक दूरी आ गई है, संवादहीनता है, और उसका कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया है। और इस समस्या को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की समस्या बताया। लंबे समय से गोंड आदिवासियों और शासन के बीच एक संवाद कायम करने के प्रयास में लगे शुभ्रांशु गोटुल को गोंड आदिवासियों की एक महत्वपूर्ण और अहम संस्था मानते हैं। वो कहते हैं कि गोटुल को आज आधुनिक तकनीक से जोड़कर कौशल विकास केंद्र बनाया जा सकता है। गोटुल एक शिक्षण व्यवस्था है, जैसे हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें गुरु शिष्य परंपरा है, गोटुल में पीयर लर्निंग है, आप एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं। आपके परिवार से भी कोई आके या गांव से भी कोई आके अगर वो हथकरघा कुछ अच्छा जानता है या कोई कला अच्छा जानता है, जानती है, तो वो सिखा जाता है। तो ये स्किल डेवलपमेंट का बेसिकली स्कूल है, खास करके आदिवासी गांव में हम शिक्षक भेज ही नहीं पा रहे हैं, और भेजते भी हैं तो वो हिंदी बोलता है, और एक शिक्षक होता है और 5 क्लासेस होती हैं, तो क्यों नहीं उनकी जो परंपरा है, उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है, उसको हम थोड़ी और ताकत दें। अभी मोबाइल फ़ोन सब तरफ फैल रहा है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार 50 लाख स्मार्टफोन बांटने वाली है, तो लगभग हर परिवार में स्मार्टफोन होगा, हर गोटुल में स्मार्टफोन होगा, अगर वहाँ थोड़ा सिग्नल है, या अगर सिग्नल नहीं भी है तो ब्लूटूथ चलता है। इन सब से गोटुलों को जोड़ने की ज़रूरत है, गोटुल को इंटरनेट से किसी भी तरह से जोड़ने की ज़रूरत है, जिसे थोड़ा उनमें हम
बेहतरी ला सकें, उनसे भी हम सीख सकें, ये सब संभव है और ये किया जाना चाहिए। गोंड आदिवासी समाज यूं तो प्रकृति की पूजा करता है, लेकिन इन आदिवासियों के कई देवी देवता होते हैं। अलग अलग अवसर और त्योहारों पर इन देवी देवताओं की पूजा होती है। गोंड आदिवासी किसी एक ही भगवान या देवता में विश्वास नहीं करते। फिर भी गोंड आदिवासियों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लिंगो देव को मानता है। सेमर गांव के पास जंगल में लिंगो देव का शक्ति स्थल बनाया गया है। यहां पर एक हिंडोला है जिसे ये आदिवासी पूजते हैं। कुछ खास मौकों पर यहाँ बड़ी संख्या में गोंड आदिवासी पहुँचते हैं। गोत्र के अपने अलग देवता होते हैं, कुल देवता, जिसको वो उस गोत्र का व्यक्ति चाहे कहीं पर भी रहे वो अपने कुल देवता में पहुँचता है और वो कुल देवता की आराधना करता है। लेकिन गांव की स्थापना करने वाले देव अलग होते हैं, यानी गाँव में जैसे जिम्मेदारी तलुर मुत्ते और भीमा देव, जल कन्याएं, राव, ये जो होते हैं वो गांव को स्थापित करने वाले, गांव की सुरक्षा करने वाले देव होते हैं। गोंड आदिवासियों में मंदिर की अवधारणा नहीं रही है। लिंगो देव का स्थान भी एक छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि लिंगो देव के स्थान को स्थापित करने का अब प्रयास हो रहा है। लिंगो देव के स्थान के पास ही एक बड़ा सा परिसर है जो किसी गुरुकुल जैसा नजर आता है। त्योहारों के मौके पर जब गोंड आदिवासी यहाँ आते हैं तो इस जगह को गोंड परंपरा के बारे में विचार विमर्श के लिए प्रयोग किया जाता है। गोंड समाज में दो विभाग है, एक सम विभाग या विषम विभाग मानते हैं, वो भी सम है या अम विषम है। दो गोत्र से यानी समधा समधि समधान होते, एक भाईपन उसमें हमारा, हम लोग एक गावड़े हैं, इसमें 12 भाई लोग आते हैं। उसमें परमाह डोकरा हमारा प्रमुख है, जो हलंजूर में स्थापित देव, उसमें गावड़े, कुमटी, जांगी, कौवा, किरको, पद्दा, इसने 12 लोग होते हैं। ठीक उसके भाई बिरदारी का इस चिंगनार में हेम्बुल बूढ़ा, उसी प्रकार वहाँ गरंजी में काड़ा हुरा, ये भाई हमारे भाई बंद के, वैसी पोड़गुमा सूर्य भी भाई, और हमारे अपोजिट समधान उसे डुकरा है, वो वहाँ मोड्डे मरका में इस साल 7 साल के, उसी अने दो भाग में हम बटे हैं, उसी के अनुसार हमारा देवी देवता चलता है। अभी 7 साल में मोड्डे मरका में करते हैं, वैसे हमारा भी यहाँ लिंगो में वो कोरोटी लोगों का है, वहाँ 5 भाई बैठते हैं, और हमारा गावड़े, कुमटी, किरको, पद्दा, अहाल, तुप्पा, हरंजूर में। सो गोंड आदिवासियों से हमारी इस छोटी सी मुलाकात में ऐसा लगा कि इन आदिवासियों की जीवन शैली में कई बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन साथ साथ अपनी पहचान, भाषा, बोली और सामाजिक संस्थानों को लेकर इन आदिवासियों में एक पुनर्जागरण भी नजर आता है। तो जहां तक गोंड आदिवासी समाज का सवाल है, यह समाज धीरे धीरे अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को लेकर
सजग हो रहा है और अपने हकों को पाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक गोंडी भाषा का सवाल है, इस पर एक पेचीदा और विस्तृत बहस चल रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि गोंडी भाषा को बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए और उसमें पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष ये मानता है कि अगर गोंडी भाषा में उनके बच्चे पढ़ेंगे तो वो बाकी समाज के बच्चों से पढ़ाई लिखाई और प्रतिस्पर्धा के मामले में पीछे छूट सकते हैं। एक जानकार से मैंने सुना था कि भाषा या बोली वो बचती है जिसे लोग बोलते रहते हैं, और अभी कम से कम छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में गोंडी भाषा को बोलने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी है और खतरा शायद उतना बड़ा नहीं है जितना बताया जा रहा है। फिलहाल मैं भी भारत की टीम को अनुमति दें, नमस्कार। ओ ना 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 मेरे नाना, ओ ती ना ना मेरे नानो, रे ना 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 मेरे ना, ती ना ना मेरे नानो, रे ना 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 मेरे नानो, ती ना ना मेरे नानो, रे ना 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 मेरे नानो, ती ना ना मेरे नानो, रे ना 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 मेरे ना। अंता जड़ साग में किया गाड़ी चले, हो या गो जंडल गाड़ी, ओ पीछे पोल बांधे हो गाड़ी, रेंगे टेच में दुर्राय उड़त जाए। ती ना ना मेरे नानो, रे ना 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 मेरे नानो, ती ना ना मेरे नाना ना रे।